How to deactivate and delete Facebook account in 2024. तो गाइस 2024 में स्टेप प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है और अपने Facebook अकाउंट को परमानेंटली डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कैसे करना है, यही पे मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो प्रोसेस है जो स्टेप पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और यहाँ पर गाइस अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन जब से मेटा में आया है Facebook के, तो यहाँ पर जो Facebook का यूज़र इंटरफेस है वो और भी ज़्यादा चेंजेस और भी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, तो आपको चाहे आप फेसबुक लाइट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या फेसबुक की वेबसाइट या फिर फेसबुक एप्लीकेशन, तीनों में आपको सेम टू सेम सेटिंग्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर आपको इस पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा, देन सेकेंड ऑप्शन डीएक्टिवेशन डिलीशन एंड उसके बाद अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेली किसी रीज़न की वजह से अपने फेसबुक अकाउंट से ब्रेक लेना चाहते हो और आप चाहते हो अपने काम पे फोकस करना या अपने स्टडी पे फोकस करना, ऐसे में आप टेम्परेली अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको ये सेकंड और फर्स्ट और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फिर ऐसे केसेस में आपको बस अपना रीज़न सिलेक्ट करना है कि क्यों आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो। वो रीज़न आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप कितने दिन के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो, आपको यहाँ पर डे सिलेक्ट करना है और वो डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब तक आप ना चाहो तब तक ये एक्टिवेट ना हो, तो आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पे टैप करना है। देन उसके बाद आपका जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट वो डीएक्टिवेट वाले प्रोसेस में चला जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं तो आपके जो भी पोस्ट होंगे वो आपको बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, इवन आपका फेसबुक अकाउंट भी आपको दिखेगा नहीं जब तक कि आप उसे एक्टिवेट ना करो। अब उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली, तो आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिलीट वाला अकाउंट, और आपको यहाँ रीज़न सेलेक्ट करना है कि क्यों आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। तो रीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको यह ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन डीएक्टिवेट अकाउंट कर सकते हो। अगर आप फेसबुक अकाउंट डिलीट करके अपना मैसेंजर अकाउंट एक्टिवेट रखना चाहते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो लेकिन अभी एक बात का ध्यान रखना, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करते हो तो अपने आपके उस अकाउंट के साथ साथ आपके फेसबुक पेजेस और मैसेंजर अकाउंट वो भी आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मैसेंजर अकाउंट को एक्टिवेट रखना चाहते हो तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन जाके डिलीट वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के लिए आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है एंड उसके बाद डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर जो आपका अकाउंट है फेसबुक का वो 30 डेज के डिलीटेशन प्रोसेस में चला जाएगा। जो डेट को आप डिलीट के लिए अप्लाई करोगे वो डेट के नेक्स्ट 30 डेज तक आपको वेट करना है, और 30 डेज के बाद आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट। तो इस तरीके से गाइस आपको अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसे डिलीट एंड डीएक्टिवेट करना है। मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको फिर से एक्टिवेट करना है तो बस आपको लॉगिन कर लेना है और आपका जो अकाउंट है फेसबुक का वो लॉगिन हो जाएगा।